नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मायावती पहने वाले तीर मारने में काफ़ी महारत हासिल किए हुए हैं। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है और कहा है कि मोहन भागवत का धर्म को लेकर के दिया गया बयान मुंह में राम नाम और बगल में छुरी जैसा है, इसके बयान पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मायावती ने धर्मांतरण के मुद्दे पर खुल के अपना पक्ष रखा और ये कहा कि लालच देकर के धर्मांतरण कराना गलत है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मायावती ने कहा कि आरएसएस प्रमुख का दिया गया बयान, लोगों को विश्वास नहीं आ रहा है इस पर। जब तक आरएसएस और बीजेपी एंड कंपनी, इनकी सरकारों की संकीर्ण सोच और कार्यशैली सर्व समाज हितैषी, सामाजिक परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक इनकी बातों पे मुस्लिम समाज कभी भी विश्वास नहीं करेगा। और जो खास बातें जिन पे मायावती ने टिप्पणी करी है वो ये है कि देश में लालच और डरा धमका कर धर्म परिवर्तन कराना ठीक नहीं है, ऐसे मामलों की सही जांच करवा करके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इसके पीछे अगर कोई देश विरोधी साजिश है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मायावती ने यह भी कहा कि धर्मांतरण मामले की आड़ लेकर के हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाना और पूरे मुस्लिम समाज को निशाने पे लेना ठीक नहीं है। बीएसपी इसका पुरजोर विरोध करेगी। मायावती ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे भी निशाना साधा और कहा कि अगर धर्म परिवर्तन की आड़ में ये साजिश चल रही है तो इतने लंबे समय से देश की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा था कि भारतीयों का डीएनए एक ही है, भले वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें भ्रामक हैं क्योंकि दोनों अलग नहीं बल्कि एक हैं। लोगों के बीच पूजा पद्धति के आधार पर अंतर किया जा सकता है। उन्होंने मॉब लिंचिंग करने वालों के लिए कहा कि ऐसे लोग हिंदुत्व के खिलाफ है। भागवत ने यह भी कहा कि ये साबित हो चुका है, सिद्ध हो चुका है कि हम पिछले 40,000 साल से एक पूर्वजों के वंशज हैं और इसमें एकजुट होने जैसी कोई बात नहीं है, सभी लोग पहले से ही एक साथ हैं। और भागवत का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब यूपी में लगातार धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं, जबरन धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं और योगी सरकार ने भी धर्मांतरण को लेकर के काफी सख्ती शुरू कर दी है। बीएसपी ने फाइटर जेट राफेल की खरीद पर भी एक अपना कमेंट किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की राफेल लड़ाकू विमान खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोप पर फ्रांस की सरकार की ओर से बैठाई गई न्यायिक जांच की खबर देश दुनिया में सुर्खियों में आने से ये मामला फिर से चर्चाओं में आ गया है। केंद्र की सरकार भी इसका उचित संज्ञान ले तो बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये थी खबर मायावती से जुड़ी हुई और आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल एमबी स्पीक्स। और हाँ, आप अपनी राय ज़रूर दिया करें और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।